अस्सलामुअलैकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। हजारों मुलाजमीन की बरतरफी, बिजली गैस पेट्रोल की सही रियलिटी ना देने, पानी की किल्लत और नैब के जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ नौशेरो फिरोज में साबिक सूबाई वजीर कानून और नवाबशाह डिवीजनल के सदर जियाउल हसन लंजार की क्यादत में एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया, जिसमें हजारों कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जियाउल हसन लंजार ने कहा कि 1,25,000 नौकरियों का वादा करने वाले धड़ाधड़ लोगों को बेरोजगार करके महंगाई के इस दौर में घर उजाड़ रहे हैं, जिसकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत के वजीर मुशीर खुद करप्शन में मुलव्वस हैं और खुर्शीद शाह समेत अपोजिशन के रहनुमा जेल काट रहे हैं, जो कि नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है। उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफे की सख्त लफ्जों में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती हुई कीमत से महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग, गैस की कमी, पानी की मस्तूई किल्लत की सख्त लफ्जों में मजम्मत की। इस मौके पर पीपी जिले नौशेरो फिरोज के सदर फिरोज जमाली, पीपी एमपीए सैयद सरफराज शाह, अमीर बख्श राजपर और दीगर ने भी खिताब किया।